वेलकम टू योर टीचर क्लासेस। और आज हम लोग अध्याय वन का परिमेय संख्या का जो हमारा टॉपिक है योज प्रतिलोम किसे कहते हैं। ठीक है, योज प्रतिलोम को सबसे पहले तो इंग्लिश में कहते हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक है, प्रतिलोम का अर्थ होता है इनवर्स, उसको इंग्लिश में कहते हैं। और इनवर्स या प्रतिलोम का अर्थ होता है उल्टा, ठीक है, या उलट देना। तो योज प्रतिलोम की जो परिभाषा है वह क्या है, जब दो संख्याओं का योग शून्य हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे की योज प्रतिलोम होती हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो एडिटिव है उसका क्या अर्थ होता है, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए जैसे कोई हम एक घनात्मक संख्या लेते हैं, हमने ले लिया एक, ठीक है, प्लस एक यानी प्लस वन, हमने प्लस वन एक घनात्मक संख्या ले लिया। और इस घनात्मक संख्या का ऋणात्मक रूप क्या हुआ, माइनस एक, ठीक है, क्या हो गया बच्चों, माइनस एक। घनात्मक संख्या प्लस एक का जो इनवर्स हो गया वह हो गया माइनस एक। जब हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, चलिए हम लोग जोड़ के देखते हैं, एक प्लस माइनस एक, तो एक प्लस माइनस एक क्या हो गया बच्चों, एक प्लस माइनस एक का अर्थ हो गया एक प्लस और माइनस माइनस, एक माइनस एक बराबर शून्य। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब हम किसी घनात्मक संख्या की संख्या का जो उसका ऋणात्मक रूप होता है उसी संख्या का ऋणात्मक रूप, और जब हम इन दोनों घनात्मक संख्या और उसके उल्टा जो उसका रूप होता है ऋणात्मक संख्या को जब हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चों, शून्य मिलता है। ठीक है, इसलिए एक का योज प्रतिलोम क्या होगा, माइनस एक होगा। अब देखिए माइनस एक है, माइनस एक हमने एक ऋणात्मक संख्या ले लिया, अब हम इसका इनवर्स यानी कि प्लस एक ले लेंगे। ठीक है, प्लस को हम नहीं दर्शाते हैं, वह छिपा हुआ होता है। तो यह हो गया प्लस एक, यह हो गया माइनस एक। तो माइनस एक का योज प्रतिलोम जो है प्लस एक हो गया। अब हम क्या करेंगे, माइनस एक में जोड़ेंगे प्लस एक को। तो माइनस एक में प्लस एक को जोड़ेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस एक को आगे और माइनस एक को ऐसे, तो यह हो गया शून्य। ठीक है, यानी कि ऋणात्मक संख्या में जब हम उसी के रूप का घनात्मक संख्या को जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स कहते हैं। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, एक प्लस माइनस एक बराबर, ये वाला जो है हमारा माइनस एक प्लस एक बराबर शून्य, हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो किसी भी संख्या का जो योज प्रतिलोम होता है वही संख्या होती है और उसका चिन्ह बदल जाता है। मतलब पांच का योज प्रतिलोम क्या होगा बच्चों, माइनस पांच। अगर हम ले लें माइनस ग्यारह तो माइनस ग्यारह का योज प्रतिलोम क्या होगा, प्लस ग्यारह। ठीक है, माइनस पच्चीस का योज प्रतिलोम क्या होगा बच्चों, प्लस पच्चीस। और माइनस सौ अगर है तो इसका योज प्रतिलोम क्या होगा, प्लस सौ। तो इसे ही कहते हैं योज प्रतिलोम। तो देखिए बच्चों, इसी प्रकार से अगर हम एक परिमेय संख्या लेते हैं तीन बटे दो, ठीक है, तीन बटे दो, तो तीन बटे दो का योज प्रतिलोम क्या होगा बच्चों, माइनस तीन बटे दो होगा। ठीक है, और अगर आप तीन बटे दो में जोड़ते हैं माइनस तीन बटे दो को तो क्या आएगा, हमारा शून्य आएगा। हम लोग यहाँ करके देख सकते हैं, तीन बटे दो में हम जोड़ते हैं माइनस तीन बटे दो को तो क्या आएगा बच्चों, यह हमारा शून्य आएगा। क्यों, चलिए बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्युत्क्रम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स का मैंने बताया आपको, उसको क्या कहते हैं, उल्टा। ठीक है, तो जब दो संख्याओं का गुणनफल एक हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाती हैं। व्युत्क्रम कह सकते हैं या आप उसे गुणात्मक प्रतिलोम भी कह सकते हैं। तो चलिए बच्चों, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इसको व्युत्क्रम को समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने एक संख्या ले लिया दो। ठीक है, क्या संख्या ले लिया हमने, एक संख्या ले लिया दो। ठीक है, दो को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं दो बटे एक, दो को हम लोग दो बटे एक लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के नीचे एक जो है
होता है, तो हम 2/1 इसको लिख सकते हैं। जब हम 2/1 में गुना करते हैं, 2/1 का जब हम उलट कर इसी के उल्टा का गुना कर देते हैं, 2/1 को हम उलट कर 1/2 लिख देते हैं, तो क्या आ जाता है बच्चों, हमारा उत्तर आ जाता है 1। यह इससे कट गया और यह इससे कट गया, ठीक है, तो क्या हमारा उत्तर आ जाता है 1। तो किसी संख्या में जब हम गुना करते हैं दूसरी संख्या से और जब उसका योग जो है 1 आता है, अरे योग नहीं मतलब कि उसका जो उत्तर है जब 1 आता, ठीक है, तो किसी संख्या में जब हम उलट कर उसी संख्या से गुना करते हैं तो हमारा उत्तर क्या आता है 1। तो हम कहते हैं कि यह 1/2 जो है 2 का क्या है, व्युत्क्रम है। तो हम कह सकते हैं 2 का व्युत्क्रम क्या होगा बच्चों, 1/2 होगा। 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/2, और 1/2 का व्युत्क्रम क्या होगा बच्चों, 2 होगा, ठीक है। वही संख्या उसका उल्टा इन्वर्स कर देंगे तो वह उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक संख्या हम लोग लेते हैं परिमेय संख्या 3/2, तो 3/2 का क्या होगा बच्चों, व्युत्क्रम यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका उल्टा यानी 2/3 होगा। क्यों, क्योंकि जब 3/2 को हम गुना कर देते हैं 2/3 से तो यह आ जाता है 1, ठीक है, क्या आ जाता है बच्चों, यह 1 आ जाता है। उसी प्रकार मान लीजिए हम लोग दूसरी परिमेय संख्या लेते हैं -5/2, तो -5/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 2/-5 होगा, ठीक है। और हम जब -5/2 में गुना कर देंगे इसका उल्टा, इसके उल्टे वाले प्रतिलोम से, गुणात्मक प्रतिलोम से, ठीक है, यानी 2/-5 से इसको उलट के, तो यह क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो इसे ही कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। 2 का योज्य प्रतिलोम होगा -2 और 2 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/2, ठीक है, आई बात समझ में। 3/2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -3/2, क्योंकि ये पॉजिटिव है, +3/2 का योज्य प्रतिलोम होगा -3/2, लेकिन 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 2/3, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि योज प्रतिलोम में हम चिन्ह को लेकर चलते हैं, सिर्फ उस जिस संख्या का योज प्रतिलोम पूछता है उसी संख्या का, वही संख्या होता है योज प्रतिलोम में, से केवल चिन्ह बदल जाता है, ठीक है, संख्या वही होती है, चिन्ह बदल जाता है। और गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है बच्चों कि सिर्फ हम उसको उल्टा करके उसको पलट कर लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, परिमेय संख्याओं के लिए गुणन की योग पर वितरण, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे बच्चों, वितरण, यानी कि हमें क्या पढ़ना है, वितरण नियम को पढ़ना है। अध्याय 1 को मैं बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक को पढ़ा रही हूँ, इसलिए बच्चों क्योंकि जो इसने प्रश्नावली दी हुई है पूरा नियम पर ही आधारित है, ठीक है, सिर्फ नियम पर ही आधारित, अगर ये नियम नहीं जानेंगे तो प्रश्नावली 1.1 का जो लास्ट प्रश्न है, जो अंतिम प्रश्न है, वह नियम पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। वैसे कराने के लिए तो मैं अगर मिलान करवा देती तो मिलान आराम से हो जाता, लेकिन अगर इस टॉपिक को जो भी मैंने पढ़ा, अगर आप इस नियम को अच्छे से समझ लीजिएगा तो प्रश्नावली 1.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो बनाने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी, बहुत ही आसानी से हम बना सकते हैं। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वितरण नियम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, 3 परिमेय संख्याओं का है, -2/5 में गुना करना है, ब्रैकेट दिया हुआ है 2/7 +5/14 से, ठीक है, यानी 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ना है और एक जो है ब्रैकेट के बाहर 2/5 -2/5 दिया हुआ है। ठीक इसी तरह से मैंने इधर भी लिखा हुआ है। अब हम इसको अलग अलग तरह से हल करेंगे और समझेंगे कि वितरण नियम क्या है। तो चलिए बच्चों, पहले हम लोग इसको सरल रूप से हल करते हैं, ठीक है। तो -2/5 गुना हम क्या करेंगे बच्चों, इसका 7 और 14 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 7 और 14 का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, 14। 7 × 14 2 × 4 +14 × 14 5 में 1 का गुना किए 5, ठीक है। तो -2/5 गुना 4 और 5 कितना हो गया 9 और नीचे हो गया 14,
ठीक है। तो माइनस नौ माइनस दो बटे पांच गुना नौ बटे चौदह, तो यह कितना हो गया बच्चों, नौ दुनी अठारह, माइनस अठारह बटे चौदह पच्चीस सत्तर, तो यह हो गया माइनस अठारह बटे सत्तर। तो चलिए बच्चों अब हम लोग वितरण नियम क्या होता है और वितरण नियम के सहायता से हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। वितरण नियम यह कहता है कि हम माइनस दो बटे पांच का गुना एक बार दो बटे सात में करेंगे, जोड़ माइनस दो बटे पांच का गुना फिर हम पांच बटे चौदह में करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं, माइनस दो बटे पांच का गुना हम किस में करेंगे, दो बटे सात में, ये हो गया। जोड़ चिन्ह इस तरह से हम जोड़ लिख देंगे और फिर माइनस दो का गुना यहाँ पे लिखेंगे, माइनस दो बटे पांच का गुना पांच बटे चौदह में, पांच बटे चौदह, ठीक है। इसको हमने इस प्रकार लिख लिया, माइनस दो में दो का गुना किए तो कितना हो गया बच्चों, माइनस चार, और पांच में सात का गुना किए तो कितना हो गया, पैंतीस, ठीक है। प्लस हम यहां लिख देंगे, दो में पांच का गुना किए तो माइनस दस, और यह कितना हो गया बच्चों, चौदह पच्चीस, यह हो गया हमारा सत्तर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पैंतीस और सत्तर का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो यह हो जाएगा सत्तर, पैंतीस दूनी सत्तर, दो चौका आठ, ये हो जाएगा माइनस आठ प्लस सत्तर, एक सत्तर और एक में माइनस दस का गुना किएंगे तो माइनस दस, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस आठ, यहाँ पे लिखेंगे माइनस आठ, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस दस, और यह हो जाएगा सत्तर, यानी कि हमारा उत्तर क्या आ गया बच्चों, माइनस अठारह बटे सत्तर, माइनस आठ और माइनस दस कितना हो गया, माइनस अठारह। तो देखिए जब हम लोगों ने इस परिमेय संख्या यानी जो संख्या माइनस दो बटे पांच जो है उसका जब हमने वितरण किया, एक बार दो बटे सात के साथ गुना और एक बार पांच बटे चौदह के साथ गुना किया, तो भी हमारा यही उत्तर आया, ठीक है। यानी कि परिमेय संख्याओं के लिए गुणन का योग पर वितरण, यह योग है बच्चों, दो बटे सात प्लस पांच बटे चौदह का क्या करना है, हमको योग करना है, और इस गुणन इस जो यह जो गुणन है इसका हमने वितरण किया, वितरण मतलब एक बार इससे किया और एक बार इससे किया, तो इसे ही कहते हैं वितरण नियम। यानी अगर हम सिंबल में देखना चाहें वितरण नियम किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं ए गुना बी प्लस सी बराबर ए का गुना बी में ए बी प्लस ए का गुना सी में ए सी, यही होता है हमारा वितरण नियम, ठीक है। यह वितरण नियम जो है घटाओं के लिए भी सत्य है, यह वितरण नियम जो है बच्चों घटाओं के लिए भी क्या है, सत्य है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो हमने यह जो हल किया है उसको हम यहाँ पर इस प्रकार लिख सकते हैं, माइनस दो बटे पांच गुना दो बटे सात प्लस पांच बटे चौदह, यह बराबर होगा माइनस दो बटे पांच का गुना दो बटे सात से, जोड़ माइनस दो बटे पांच का गुना पांच बटे चौदह से, और यह क्या है बच्चों, एक दूसरे के बराबर है, और इसी नियम को हम क्या कहते हैं, वितरण नियम कहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो भी जब हम घटाओं करेंगे तो भी यह वितरण नियम जो है सत्य होगा, ठीक है। यानी कि परिमेय संख्याओं के लिए गुणन का घटाओं पर वितरण क्या होता है बच्चों, सत्य होता है। जैसे यह जोड़ के लिए सत्य है वितरण नियम, उसी तरह यहाँ पे अगर हम घटाओं करेंगे माइनस करेंगे तो भी यह नियम क्या होगा बच्चों, सत्य होगा। तो घटाओं के लिए भी यह वितरण नियम क्या होता है बच्चों, सत्य होता है। तो घटाओं के लिए भी वितरण नियम क्या हो जाएगा, माइनस देखिए माइनस चार बटे पांच का गुना है दो बटे नौ माइनस सात बटे अठारह से, तो वितरण नियम के अनुसार माइनस चार बटे पांच गुना पहले दो बटे नौ के साथ, और यह माइनस का चिन्ह है तो माइनस, माइनस चार बटे पांच, ठीक है, माइनस चार बटे पांच का गुना जो है सात बटे अठारह से, ठीक है। तो यह नियम जो है वितरण नियम जो है घटाओं के लिए भी क्या है बच्चों, सत्य है। यह वितरण नियम जो है वह घटाओं के लिए भी सत्य है, ठीक है। यहाँ पे इसको हम ब्रैकेट में इस तरह से लिखना चाहिए, इस तरह से हम ब्रैकेट में, तो वितरण नियम घटाओं के लिए भी सत्य है,